बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन, आदाब, नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। जैसन कि रौरमन जानीला, हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा नवा और बेस बेस जानकारी लेके आवेला। उसने में से एक खास जानकारी है, ये जानकारी रांची जिला से महज 15 किलोमीटर का दूरी पर है नगड़ी प्रखंड। ये जानकारी हम यहाँ से लेकर आई, मगिन जानकारी लेकर आगे हमने देखा कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए दिया जाता है अनुदान। महिलाएं समूह बनाकर कृषि क्षेत्र से हो सकती है लाभान्वित। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। पॉली हाउस और नेट शेड सब्जी, फूल और औषधीय पौधों के बेहतर उपज और बेमौसमी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए किसानों को 50 से 75% तक अनुदान देती है। बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों और औषधीय पौधों की खेती के लिए पॉली हाउस और नेट शेड बेहतर होता है। ये साधन महंगे होने के कारण किसान इसके इस्तेमाल से वंचित रह जाते हैं। राज्य के किसान इन पॉली हाउस और नेट शेड लगाकर बेहतर उपज पा सके, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन इनकी स्थापना के लिए 50 से 75% तक राशि अनुदान देती है। कृषक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर या समूह बनाकर खेतीबाड़ी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती हैं। समूह द्वारा कार्य करने पर निश्चित तौर पर ज्यादा उत्पादन होगा और समूह को मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी महिलाएं ले सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के मदद से हम कृषक महिलाएं स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके और कोई भी कृषि कार्य को अपना सकती हैं और उससे आमदनी को दुगना कर सकती हैं, चाहे वो सब्जियों का बिचड़ा उत्पादन हो, चाहे फल का उत्पादन हो, अच्छी किस्म का जैसे कि पपीता का वैरायटी को लेके उसको खेती कर सकते हैं। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करने से सरकार के भी बहुत सारे योजनाओं से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, समय चल रहा है गर्मा फसलों के बुआई का। इस समय बहुत से किसान भाई गर्मा धान की बुआई भी करते हैं। इस समय मध्यम अवधि वाली धान की किस्में लगाई जाती हैं। बेहतर उत्पादन के लिए किसान ललाट, एमटीयू 1010, नवीन और सहभागी नामक धान के उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। गर्मा धान के उन्नत प्रभेदों में ललाट, एमटीयू 1010, नवीन और सहभागी अच्छी मानी जाती है। ये प्रभेद 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इन प्रभेदों के 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 40 से 50 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। ये उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3,500 हिल पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। हम लोग मशरूम की खेती करते हैं। ये एक बहुत अच्छा रोजगार है आज के डेट में, क्योंकि अभी जिस तरीके की बेरोजगारी है, कहीं पे जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये घर बैठा एक अच्छा रोजगार है।
और मेरे हस्बैंड पहले प्राइवेट जॉब करते थे जिसमें एक फिक्स्ड इनकम था, वो भी बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, जिससे हमारे परिवार को मतलब खर्चे बहुत हैं और इनकम बहुत कम है, जो सही से मतलब गुजारा नहीं हो पा रहा था। परेशानी होती थी, गुजारा नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे कहीं से पता चला मशरूम की खेती के बारे में, तो मैंने मेरे हस्बैंड को सजेस्ट किया कि आप इसके बारे में थोड़ी सी पता करो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इनकम है और हमारे पास बहुत जगह भी है जिसमें हम लोग अच्छे से मशरूम की खेती कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, समाचार में रोरमन तकनीक उपकरण मंडी भाव और मौसम कर हाल कर बारे में रोरमन के पता लगलग। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम कर, हम विराम लेवा थे और घूर के आके रोरमन के जानकारी देवा थी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो किसान भाई बहन मन, आज का जो जानकारी है ये नगड़ी प्रखंड से लेके आई और यहाँ का जो किसान है इनका नाम है श्री रजनीकांत जी। तो रजनीकांत जी हैं, जैविक खेती करत हैं, साग सब्जी करत हैं, बागवानी करत हैं, मैंने बहुत किस्म कर खेती बाड़ी करत हैं। तो भाई इस सब के कैसे मैनेज करत हैं, इकर बारे में जानकारी लेवे के है। तो चलू हमारे नगरी प्रखंड चला थी और रजनीकांत जी से जानकारी लेवा थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की मांग तेजी से बढ़ी है, जिस कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग का रुझान भी किसानों में तेजी से बढ़ा है। ऑर्गेनिक अनाज, दालें, मसाले, सब्जियाँ व फल जैविक खेती की संभावनाओं को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैविक खेती से तात्पर्य फसल उत्पादन की उस पद्धति से है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं के गोबर मलमूत्र पर ध्यान दिया जाता है और उसे उपयोग में लाया जाता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ण
प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं चाह है तो राह है। जी हाँ, इस वाक्य को चरितार्थ कर दिखाया है रजनीकांत जी, जो नगड़ी प्रखंड के कलंडे गांव के हैं। इन्होंने पूरे अपने लगन और इच्छा शक्ति के साथ जैविक खेती के माध्यम से अपने आय को बढ़ाने का काम किया, और साथ ही साथ जो आसपास के छोटे मोटे किसान हैं उनको भी वो प्रशिक्षित करते हैं और जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए, इनके जीवन में जैविक खेती से कितना इनके जीवन में बदलाव आया है, कितने आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, आइए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। जैविक खेती में मुख्य रूप से कीटनाशक का मिनिमम नहीं के बराबर प्रयोग किया जाता है, किया ही नहीं जाता है। जो गाय का गोबर होता है, बैल का गोबर होता है, उससे हम लोग जो खाद बनाते हैं, खाद बनाने के साथ फसल उसी से उगाया जाता है, और मुख्यतः फसल का लागत भी कम आएगा और प्रोडक्शन भी उसका ज़्यादा होगा। अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं, पहले रासायनिक खेती का प्रयोग किया जाता था, रासायनिक का प्रयोग किया जाता था, तो उससे क्या नुकसान हो रहा था खेतों पर? उसमें लोग देहात में एक कहावत है कि जिसको कीड़ा ना खाए उसको आदमी खाता था। अभी भी है क्या कि जैसे जितना भी रासायनिक का प्रयोग, अगर दवा का प्रयोग करते हैं तो सबको जानता है कीड़ा उसको उससे मर जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में सब्जी में, फल में वो रह जाता है और आदमी लोग उसको सेवन करते हैं, जिसके कारण उनके आंतरिक जो शक्ति है वो धीरे धीरे छीन होती है और विभिन्न रोगों का से वो ग्रसित हो रहा है। इसलिए आज के डेट में रासायनिक खेती को बंद करके जैविक खेती पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। अगर हम जैविक खेती आप कर रहे हैं, अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, अपने खेतों की बात करते हैं, तो इससे खेतों को क्या फ़ायदा होता है? इसमें खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखती है, जो जमीन है उसका जल शोधक क्षमता बढ़ती है। अगर हम जैविक खेती करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी का जो हल्कापन रहता है वो पानी को, बरसात की पानी को सोखता है, ज़मीन के अंदर ले जाता है और आसानी से हम खेती कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक का अगर प्रयोग करेंगे तो मिट्टी धीरे धीरे अम्लीय हो जाएगी और वो खेती करने योग्य नहीं रह जाएगी। आज कृषि समुदाय व्यापक रूप से जैविक कृषि को अपना रहा है। ऐसे ही एक किसान है रांची के नगड़ी के रहने वाले रजनीकांत, जिन्होंने न सिर्फ खुद जैविक खेती को अपनाया बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने पूर्वजों से खेती की सीख लेकर रजनीकांत ने खेती के कार्यों को शुरू किया। समय के साथ आज इसमें बदलाव लाकर इसे वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। रजनीकांत, अगर हम खेती की बात करते हैं तो खेती के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तकनीकी दक्ष नहीं हो पाएंगे तो किसी भी काम को अच्छे तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, हाई क्रम में खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, आपने धान की खेती की है, तो कहाँ से आप प्रशिक्षण लिया और कैसे उन चीज़ों को अपने खेतों में परिणत करने का काम किया? सर्वप्रथम हमने बहुत पहले तो पुराने तकनीकी पर दादाजी से जो प्रशिक्षण मिला था उनको, उनके आधार पर करते थे, लेकिन जब मैंने रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़ा तो वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे पता चला कि कौन कौन खेती की में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और कैसे उसको बेहतर और बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद हमने पलांडू भी गया, पलांडू में जाकर वहाँ भी सर्च किया, वहाँ देखने के बाद ये पता चला कि कौन सी फसल को मैंने कितना केयरिंग करना है, और उस हिसाब से हमने YouTube में भी समय आवश्यकता अनुसार उसको देख के सीखते हैं और उसी अनुसार से हम खेती करते हैं। पढ़े लिखे पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े रजनीकांत आज जैविक कृषि को एक बेहतर रोजगार के तौर पर अपनाए हुए हैं। रजनीकांत अपनी खेती के लिए तकनीकी प्रशिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। नए यंत्रों के उपयोग के साथ जैविक माध्यम खेती का मूल मंत्र बन गया है। इससे फसल तो बेहतर होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है, जिसे कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी अनुकूल असर पड़ता है। लोग हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो अगर तकनीकी अगर नहीं बदलाव होता तो इतना खेती करना पॉसिबल नहीं होता। अभी ट्रैक्टर है, जो काम दिन भर में बैल से करते थे, 1 से 2 घंटे में ट्रैक्टर से सारी काम हो जाती है। जो ये सिंचाई की बात है, पुराने पहले लोग कुआं से, ढेकी से लोग उसको पटाते थे, उसमें दिनों दिन लगता था एक खेत को पटाने में, लेकिन अभी बोरिंग का समय है, कुआं का समय है, बड़ी बड़ी अच्छी किस्म के मशीनें आ गई है जो 2-3 घंटे में, दिन भर के काम 2 घंटे में कंप्लीट कर देती है, तो मानव श्रम का बचत होता है। ये बात तो आपने खेती के बारे में बताई, अपनी प्रेरणा के बारे में बताई। अगर हम आपकी बात करते हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई कितनी क्लास तक किया है? मैं केमिस्ट्री ऑनर्स से BSc किया हूँ, और BSc करने के बाद मुझे नौकरी में विशेष रुचि नहीं रही और खेती करने का बड़ा शौक था। उसी शौक के आधार पर मैंने विभिन्न प्रकार के, आपने देखा कि आम की बागवानी हमारे पास है, उसमें हर तरह के फलों की बागवानी हमने की है, साथ साथ आपका ये
सब्जी की भी खेती की है, दोनों को मिला के मेरी आय काफ़ी अच्छी हो जाती है जिससे हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। इनके इस काम में इनका पूरा परिवार इनकी मदद करता है। आज कृषि कार्य के माध्यम से ये अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। अपने इस काम से रजनीकांत पूरी तरह संतुष्ट होकर कार्य कर रहे हैं। हमारे अलावा हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं, श्री DNC नाम है, वो काफ़ी चर्चित शिक्षक रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। मेरे बड़े भाई हैं, वो LLB किए हुए हैं और साथ में स्कूल के संचालन भी दोनों साथ साथ करते हैं। रजनीश कुमार नाम है, बड़ी भाभी है, फिर वाइफ है और हमारे 3 बच्चे हैं, 2 भतीजे हैं, छोटा भाई भी है, वो इंजीनियर है। काफ़ी सभी लोग सामूहिक परिवार है। अगर हम आपकी पत्नी की बात करें, हर एक औरत की इच्छा होती है कि उसका पति भी सरकारी सेवा करे, समय पर कार्यालय जाए, आपके घर में आए और सुकून की जीवन जिए, लेकिन आपने सुकून को छोड़ के चिचलाती धूप में भी अपने खेतों में आप अभी काम कर रहे हैं, तो पत्नी का कितना सहयोग मिलता है? पत्नी कभी बोलती है कि इस काम को छोड़िए और आप भी नौकरी कीजिए? शुरू में बोलती थी, लेकिन वो धीरे धीरे एडजस्ट हो गई है और उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो हरी हरी सब्जियाँ बाजार से न ला कर खेत से अगर ला कर दिया जाता है तो उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, अपना खेत में काम हो रहा है और उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जा रही हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। खेती में आपके परिवार के कौन कौन लोगों का सहयोग मिलता है? आपने बताया कि आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, कितना सहयोग करते हैं आपके? ये सभी लोग, मेरे पिताजी को भी खेती से लगाव रहा है, वो जितने भी आप फल का जो बागवानी देखे उनका भी कहीं ना कहीं पूरा सहयोग है, बड़े भाई का भी सहयोग है, सभी लोग मिल के हम लोग खेती को करते हैं। जैविक खेती के अंतर्गत कीट व रोगों का नियंत्रण भी जैविक साधनों के द्वारा ही ये करते हैं, जिससे इनकी फसलों की मांग भी बनी रहती है। देखिए, ये मिर्च जो दिख रहा है ये लाल मिर्च है और उधर शिमला मिर्च है, ये दोनों मिर्च का अभी पूरा मार्केट में बहुत डिमांड है और अभी तो शादी के सीज़न है तो शिमला मिर्च की उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि हर प्रकार के सब्जी में उसका उपयोग होता है और उसका मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। ये कीटनाशक के रूप में जैविक के साथ साथ कीटनाशक कभी कभार थोड़ा बहुत उपयोग करना पड़ता है, अगर कोई विशेष प्रकार का कोई अगर फफूंदी या उस तरह का कोई बीमारी लग जाए तो उस समय कीटनाशक का रोगड़ का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे आपका जो कीट है वो मर जाता है और बाकी फिर अपना जैविक जो खेती करना है उसी के अनुसार होती है। रजनीकांत ना सिर्फ खुद उन्नत खेती कर रहे हैं, साथ ही अपने क्षेत्र के ऐसे लोगों को जो पहले मजदूरी करते थे या पलायन कर जाते थे, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले हम अपना घर चलाने के लिए रांची डुंडा काम करने जाते थे, रेजा कुली। अब हम 4-5 से 6 साल से यहाँ खेती में लगल हैं। रजनीकांत सर कर खेत में। रजनीकांत जी के खेत में। हाँ। तो कितना आपको मतलब डेली पैसा मिल जाता है? 150 मिलता है। 150 मिलता है। अब शहर में जाती हैं? नहीं जाते हैं। यहीं पे काम मिलता है? हाँ। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं परिवार चलने में? नहीं दिक्कत है। सेहत का सीधा संबंध खान पान से है। स्वस्थ रहने के लिए लोग अब तेजी से जैविक खाद्य पदार्थ अपना रहे हैं। इन्हें सेहत के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है। शहरी क्षेत्रों में जैविक उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। जैविक उत्पादों के निर्यात से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। ये नर्सरी का ये पॉट है, इसमें हम आसानी से किसी भी प्रकार का बीज का नर्सरी तैयार कर सकते हैं, फल का भी तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे जैसे पपीता हो गया और आपका सब्जी में भी अगर हम बात करेंगे तो खीरे का बहुत सारा हम आसानी से इसमें तैयार कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये जैविक जो गोबर है, ये गोबर की थोड़ी मात्रा उसको केचुए खाद से हम लोग तैयार करते, उसको इसमें डाल देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा हाफ देने के बाद एक एक बीज सभी में डाल देना है और उसके बाद मिट्टी को दे देंगे तो, और इसको हर 2 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो 1 सप्ताह के अंदर में सारे गाछी जो आपका पौधा है वो तैयार हो जाएगा और उसको लेकर हम आसानी से जहाँ चाहेंगे वहाँ पर उसका क्रॉप्स को लगा सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से मतलब कि जो पौधा होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, रोग प्रतिरोध क्षमता भी उसमें ज़्यादा होगा, काफ़ी होगा। इसमें घास आने की संभावना नहीं के बराबर है, नहीं होगी। तो हमारा जो भी सीड्स तैयार होगा, जो भी हमारा पौधा तैयार होगा, वो पूरे के पूरे पौधा आसानी से हम कहीं भी ले जाकर उसको लगा सकते हैं। रजनीकांत जी, अगर हम आपकी बात करते हैं तो आपके पास फलदार पौधों में कौन कौन से पौधे आप लगाए हुए हैं? फलदार पौधों में हमारे पास आम के पौधे हैं, लीची के पौधे हैं, आपका नींबू है, अमरूद है, ये अनार का पौधे हैं, इस तरह से करके लगभग सभी आंवला के पौधे हैं,
हर प्रकार का पौधे हमारे बागवानी में मिलेगा। पपाया के है, कम से कम एक पपाया में हर पौधे कम से कम 25-30 किलो का फल आसानी से देता है। जैविक खेती का उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादों, लाभकारी जैविक सामग्री का प्रयोग करके मिट्टी में सुधार और फसल उत्पादन को बढ़ाना है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए मृदा को स्वस्थ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं रजनीकांत की पड़ोसी हूँ। रजनीकांत जी की बात करते हैं तो रजनीकांत जी की शुरुआती जब वो किसान का काम कर रहा था, क्योंकि आप उनकी पड़ोसी हैं, उनका काफी नजदीक से जानती हैं, क्या स्थिति थी उनकी पहले? रजनीकांत की पहले स्थिति काफी दयनीय थी। वो काफी मुश्किल से अपना परिवार का गुजारा कर पाते थे, लेकिन जब से वो खेती में जुड़े हैं तो काफी वो सशक्त हुए, अपने परिवार को अच्छे से देख पा रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं अभी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और क्या बोले, मैंने पहले से स्थिति इसका बहुत अच्छा है। फलों व सब्जियों की जैविक खेती का भविष्य उज्जवल है। ऑर्गेनिक फूड को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। ऑर्गेनिक फल व सब्जियां बाजार में मिलने वाले अन्य सामानों की अपेक्षा थोड़े महंगे होते हैं, फिर भी सेहत की भलाई के लिए लोग इन्हें खरीद रहे हैं। साथ ही इससे ऑर्गेनिक मार्केट के किसानों को फायदा भी हो रहा है, इसलिए तेजी से लोग यानी किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बाजार व्यवस्था नगड़ी में है। नगड़ी में सप्ताह में 3 दिन बाजार लगती है। यहाँ से जो भी सब्जियाँ निकलती है वो आसानी से मार्केट में बिक जाती है। यहाँ बाजार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल आने जाने का थोड़ा सा असुविधा है, तो धीरे धीरे वो भी असुविधा खत्म हो जाएगी, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। रजनीकांत जी, अगर हम आपकी बात करते हैं, शुरुआती दौर में जिस समय आप खेती में आए थे उस समय आपकी स्थिति कैसी थी, उस समय क्या समस्याएं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में किसी भी काम करने में परेशानी तो होती है, खेती भी उसी तरह से है। समझने में काफ़ी समय लगा कि क्या करें क्या नहीं करें। अंत में जो पुराना रुझान था, सब कोई को अपनी मन की बात को सुननी चाहिए, मन किया कि नहीं, अगर इसी में दिल से अगर काम किया जाए तो काफ़ी फायदा होगा। और मैंने अपने दिल की बात सुनी और इसी से इसमें लगा रहा और इसमें हमको काफ़ी लाभ हो रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आपके जीवन में कितना बदलाव आया है कृषि कार्य से जुड़ के? कोई ऐसा नया काम जो किया जो आपको लगता है कि अगर हमें कृषि में जुड़ता तो ये काम नहीं कर पाता, आपको तसल्ली होती है कि मैंने इस काम को किया? सबसे पहले तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, अपने खेत से ताज़ा ताज़ा फलें मिलती है, ताज़ा सब्जियाँ हैं, दूध मिलता है, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और किसी प्रकार का कोई आत्मग्लानी नहीं है। हर आदमी को, हर अच्छे आदमी को अपने काम के साथ साथ जो भी उनके पास ज़मीन बची है उसमें खेती करनी चाहिए, और इससे दोनों फायदा होगा, अपना तो लाभ होगा ही, साथ साथ बगल वाले को, कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जो नहीं कर पा रहे उनको सस्ता सब्जी उनके तक आसानी से पहुंच जाएगा। रजनीकांत जी, आप जो यहाँ पे आसपास के छोटे किसानों को प्रशिक्षित करने का भी काम करते हैं, तो जब कोई किसान आपके पास आता है कि आप किस तरीके से जैविक खेती करते हैं, कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जैविक किस तरीके से जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या बतलाते हैं और मन में कितनी खुशी होती है कि आपके पास जब कोई पूछने के लिए आता है? तो ये तो सर विदित है कि अगर कोई किसी से कोई पूछता है तो उसको अंदर में सबसे पहले अपनी खुशी आती है कि चलो मैं इस काबिल हूँ कि मैं दूसरे की सहायता कर सकूँ, और लोगों को सहायता करने में आनंद, एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है और उनको खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं और सारे लोग मिलके इसको खेती कर रहे हैं। आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी हैं, तो उनका पढ़ाई लिखाई आप कहाँ करवाते हैं? मैं अभी बड़े बेटे को DAV हेयल में दिया हूँ और उसका मैं फीस यहीं से वहन करता हूं। साथ में 2 और बच्चे हैं जो साइंस एकेडमी बोर्डिंग स्कूल पिस्का नगड़ी में पढ़ते हैं और वहां भी सारी व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर की अगर बात करते हैं, जिस समय आप एक मतलब कि शुरुआती दौर था और आज की बात करते हैं, तो गाँव समाज परिवार के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं? अभी सभी लोग इससे काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, हर तरह की व्यवस्था होने के बाद भी अगर सर इसमें खेती में जुड़े हुए हैं तो उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और खुशी लगती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाई बहन मन रौरमन की जानकारी कैसे लग बेस है नहीं? अगर ऐसा बेस जानकारी कोई रौरठिन है या हमरे से कोई जानकारी लेवे चाहती तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची वकील। हाँ, पिन कोड संख्या के जरूर लिखब, पिन कोड संख्या है 8-3-4-0-0-1। तो रोरमन
आज इकरे साथ विदा देव मकिल। हाँ, यह दिन और यह बेरा रोरोमन से और भेंट होगी नवा जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।